नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं त्रिवेंद्र कुमार, हम सभी स्टूडियो नर्सिंग फिर आपके साथ जुड़ा हूँ अपनी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, जिसके अंदर अपने फंडामेंटल के बारे में पढ़ रहे थे। उसके साथ साथ में आज 12 मई 2020 अपने नर्सिंग स्कूल नर्सिंग डे या इंटरनेशनल नर्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है, तो उसकी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अब यदि तुम बात फंडामेंटल की बात कर रहे थे, तो फंडामेंटल के अंदर अपने पास में चला था ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट, यानी एक पेशेंट को अपन किन किन तरीकों से ऑब्जर्व करते हैं, किन किन प्रकारों से वेद है, क्या क्या टेक्निक्स थे, इनके बारे में पढ़ी थी। और उसके बाद में अपने स्पेसिफिकली बात करी थी अपनी वाइटल साइन के बारे में। तो अपने पास वाइटल साइन निकले थे, वो थे वाइटल साइन निकले थे, वाइटल साइन जो थे उनमें से अपने पास थे की आर और बीपी, यानी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर, इनके बारे में अपने पिछले बात की थी पिछली क्लास के अंदर। अब यहाँ पर अपने इनको हटा के आगे ब्रॉडली या फिर डिस्कशन रूप से पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपने बात करेंगे टेम्परेचर की, ठीक है। तो आज की क्लास जो है वो होगी अपनी टेम्परेचर के बारे में, यानी तापमान के बारे में। अब तापमान होता क्या है, जैसे तुम लोग बात करें तापमान की, तो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को, यानी जो बाहर का तापमान है या जो बाहर के अंदर जो गर्मी है, उस गर्मी और उस तापमान को बनाए रखने के लिए बॉडी के द्वारा विभिन्न कार्यों के द्वारा या विभिन्न प्रकार की जो प्रोसेस होती है, उन प्रक्रियाओं के द्वारा क्या किया जाता है, ताकि किसी भी आदमी को या पर्सन को या इंडिविजुअल को सर्वाइव करने के लिए एक प्रकार का तापमान या टेम्परेचर वो मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर था नॉर्मल वो था अपना 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर उसे अपन 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट भी कहते हैं। यह था अपना ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। अब यहाँ पर यदि टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर जो है वह था बाहर और आंतरिक वातावरण के अंदर एक प्रकार का बैलेंस बनाया जाता है, जिसके द्वारा जो भी अपनी जो बॉडी है वो प्रॉपरली सर्वाइव कर पाती है। ये अलग अलग भागों के अंदर अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो मुख्य रूप से तो तापमान है, वह क्या करता है अपने शरीर के तापक्रम की ऊष्मा होती है, हमारी बॉडी के द्वारा जो हीट ऑर्गेनाइज रेगुलेट की जाती है, उस रेगुलेशन को हीट को ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर कहते हैं, जो नॉर्मली 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट के आसपास होता है। ये था तापक्रम, या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऊष्मा का वह अंश जो हमारी बॉडी के संतुलन को बनाए रखता है वह क्या कहलाता है, टेम्परेचर। डेफिनेशन की बात करें तो टेम्परेचर जो है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये हो सकती है कि किसी भी मानव शरीर के अंदर ऊष्मा का वह अंश जो हमारी बॉडी बनाए रखती है, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर काम कर सकती है या प्रॉपर वर्क कर सकती है या जो भी कार्य संपादित करती है, वह हमारी बॉडी का तापमान या टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। अब यदि तापमान की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यह बात करेंगे तापमान के अंदर किन किन कारणों से या किन किन विधियों के द्वारा जो है वो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। अब मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, तापमान बनता कैसे है, कहाँ कहाँ से बॉडी है वो टेम्परेचर जो है वो उत्पन्न करती है। जैसे जो टेम्परेचर की बात करें, तो तापमान के अंदर यहाँ पर मुख्य रूप से एक ही वर्ड प्रयोग होता है, वो होता है आपका हीट, यानी ऊष्मा। अब ये जो ऊष्मा है ये हमारे शरीर के अंदर आती कहाँ से, टेम्परेचर की बात करते हैं, सबसे पहले अपन ये देखेंगे हमारी बॉडी के अंदर किन किन माध्यम से ऊष्मा आ रही है या बन रही है, और किन किन माध्यम से ऊष्मा है वो जा रही है या बॉडी से बाहर निकलती है, बाहर की निकली जा क्यों रही है, इसकी बात करें। तो जैसे ही बात करेंगे अपन टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर के अंदर सबसे पहली चीज आती है उत्पन्न कैसे हो रही है, या किन किन माध्यमों के द्वारा जो है वह ऊष्मा बन रही है या उत्पन्न हो रही है। उत्पन्न होनी क्यों हो रही है, क्योंकि जब भी बाहरी वातावरण जो है हमारी बॉडी से बाहर का या एक्सटर्नल वातावरण है या जो भी एनवायरमेंट है, इसके अंदर क्या है बार बार कंटिन्यू परिवर्तन होने के कारण या बदलाव होने के कारण क्या होता है, टेम्परेचर है वो ऊपर या नीचे होता रहता है। तो ऊपर या नीचे यदि बाहर का तापमान है वो अगर ऊपर या नीचे या कम या ज्यादा हो रहा है, उस कम या ज्यादा टेम्परेचर की वजह से हमारी बॉडी को भी उसके अकॉर्डिंग यानी बाहर के अनुसार अपना जो टेम्परेचर है या जो तापमान है वह बदलना पड़ता है। तो ऊपर बाहर का तापमान टेम्परेचर तो बदलने के कारण क्या होता है, बॉडी के अंदर ऊष्मा को कम भी किया जाना होता है और ज्यादा भी किया जाना होता है। तो इसके लिए
उत्पादन भी होता है। तो ये जो ऊष्मा है या हीट है ये किन किन तरीकों से बनती है, तो किन किन तरीकों से बनती है उनकी बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, जो ऊष्मा बनती है और बिगड़ती है या खत्म होती है, इनको अपन ने दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर आपका होता है पहला है आपका थर्मोलाइसिस। अब यहां पर वर्ड आता है आपका लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना या खत्म होना या डिस्चार्ज होना, ठीक है। थर्मोलाइसिस का मतलब होता है ऊष्मा का क्षय या तोड़ना, यहां पर मुख्य रूप से बात करेंगे ऊष्मा का क्षय, ठीक है। यह तो आपका पहला वर्ड जिसके अंदर ऊष्मा बनने और बिगड़ने की बात कर रहे हैं या टूटने की बात करें, तो इसके अंदर पहला वर्ड आता है आपके पास थर्मोलाइसिस। थर्मो
प्रोडक्शन होता है। सेकेंड क्या होगा, डायनेमिक एक्शन ऑफ द फूड यानी भोजन का गत्यात्मक क्रिया। अब गत्यात्मक क्रिया के अंतर्गत भोजन का पाचन या अवशोषण न होकर भोजन है वो आधारित पढ़ने वाले उद्योग को कारण होती है। ठीक है, अब होता क्या है इसके अंदर भोजन है क्या होता है, बात करें तो धमनी का एक तापमान है वह क्या करता है, धमनी का टेम्परेचर बढ़ जाए
कंडीशन के अंदर भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर ये बढ़ जाता है, बॉडी के अंदर थर्मोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। तो ये था आपका थर्मोजेनेसिस। लाइसिस भी करती है, यानी
जो भी रेगुलेशन है आपका हीट का, वो बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस ग्लैंड की वजह से किया जाता है। तो जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, हम जो अपने जो हीट वगैरह है या उसमें है या टेम्परेचर, उसका रेगुलेशन भी हाइपोथैलेमस की वजह से किया जाता है। तो जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करती है, हमारे स्किन के अंदर विभिन्न प्रकार के जो उद्दीपक आते हैं वो निद्रा की वजह से ब्लड को गर्म करके या विभिन्न प्रकार के जो भी पीड़े चलते हैं उनको हाइपर टेम्परेचर के अंदर या फिर गर्म करने के बाद बॉडी को अत्यधिक गर्म कर लिया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है विभिन्न प्रकार की ऊष्माएं जो बॉडी के अंदर स्किन के द्वारा बाहर निकाली जाती है। अब क्या होता है आपकी स्किन है इसके अंदर विभिन्न प्रकार के सेंसेशन पाए जाते हैं जो क्या करते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर आपकी बॉडी का जो बाहर वातावरण होता है उस वातावरण के अनुसार क्या होता है ये बॉडी से टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के काम आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर होता है बाहर निकाल दिया जाता है। थैंक यू।